बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन ही हो गए कोई व्लॉग श्लॉग नहीं आया। बस फिर पंप के मामलात हैं काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और हर वक्त फिर व्लॉगिंग यहाँ बनाना ना मुझे अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगता। तो खैर आज जा रहे हैं जी भावल नगर, वहाँ कुछ उधार देनी है मैंने ना 20 रुपये एक घड़ी वाले के। तो ये जो घड़ी मैंने पहन रखी है ना, ये लियाकत कादरी साहब ने मुझे गिफ्ट की थी और ये काफ़ी खुली थी तो इसकी 2 कुंडियाँ निकाली थी। तब हमारे पास पैसे नहीं थे, बड़े पैसे थे यानी छोटे नहीं थे, सिक्के नहीं थे, जैसे 20 कह लें, 50 कह लें, 100 कह लें, और उसके पास भी नहीं थे क्योंकि वो उनका छोटा सा ये है। तो आज उनको चलते हैं शहर और उनको ना उनके पैसे देते हैं। वैसे उन्होंने कहा था अगर मतलब दे दीजिएगा तो ठीक है, वैसे कोई मसला नहीं है क्योंकि कुंडियों निकालने का कोई इतना मसला नहीं, लेकिन हमने कहा नहीं जी हम तो देंगे। अभी ये मैं इधर अंकल के पास आया खड़ा हूँ और इनको उतार वाली याद दिलवाते हैं। अंकल जी तो थो ना घड़ी का मैं सेट कराया, याद है जी, चैन कराया कुंडिया ते उदे पैसे लाने बकाया आ ले लो जी। नहीं बस 20 रुपए थे बकाया और आप रख लें, ठीक हो। ये इधर अंकल बैठे हैं तो इनको पैसे अदा कर दिए हैं, इनके ना 20 रुपए रहते थे तो वो दे दिए हैं अभी इनको। सब्ज़ मंडी भाई दी वे रुके हैं और आलू बुखारों का किलो लिया है हमने। लो भाई ने 200 हमें पूरा लगाया है, रियायत नहीं की, 20 रुपए नहीं छोड़ेंगे। बटर रेट मेहरबानी। ये सारी इधर ना आगे सब्ज़ मंडी और फ्रूट वगैरह की मंडी है। वैसे देहात में कुछ झोंपड़ियाँ ना इस तरह की होती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं और ये बांस वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी माशाल्लाह अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो इधर रुके हुए हैं, वापसी पे आ रहे हैं ना, प्यास लगी हुई है तो फिर सरदाई तो बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइट हाथ में पकड़ना चाहिए। ये भाई इस मशीन को अब चला रहे हैं जी। आप खुद लगाओ। सरदाई माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार है और अपना रियाज से जानते हैं सरदाई की तफसील। चलिए आज सुनाओ कि मैं सरदाई है, बाकी गर्मी ख़त्म हो जाती है, चंगी है केश है, बड़ी मज़ेदार है, सेहत दोनों ही चंगी होती है। अभी शायद धूप वगैरह हो गया इसीलिए
बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए जी, जो इन्होंने ना सेटअप किया हुआ है, ये छंट लगी हुई है और ये बड़ा माशाल्लाह मज़ेदार सेटअप, और यहाँ बिदामों का ढेर लगा हुआ है। भाई मुझे मिले हैं, डीजल डलवाने आए हैं ना, कह रहे थे आपकी वीडियोस तो आती नहीं, इतने दिन हो गए। तो मैंने फिर भाई को बताया कि बहुत से मामलात होते हैं, फिर डेली वीडियो बनाना अच्छी यार नहीं है, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता और ना इतनी इतना टाइम होता है, ये तो होता है हफ्ते में एक आध दिन, चलो। तो आज तो भाई आप खुद ही आ गए हैं वीडियो में। जी सर, मुझे अच्छा लगता है यहाँ से डीजल डलवाना, मेरा ये अच्छा पंप है, मैं यहाँ से डीजल डलवाता हूँ। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे पंप के मुतल्लिक कहना चाहें? अच्छा पंप है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज तो आज के व्लॉग में तो फिर आप भी आ गए हैं। जी सर, मेहरबानी। अब खुश हैं आप? खुश खुश, ठीक हो। मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया हुआ है, बल्कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और हमने अपने डिब्बे संभाल के रखवा दिए हैं नीचे, चूँकि जब हवा चलती है ना तो ये गिरने लगते हैं, सो इसीलिए इनको रखा दिया है कि ये गिरे ना और कोई मतलब कोई शीशा वगैरह टूटे ना। और जो ये डिब्बे हैं ना, ये वाले, ये भी सब के नीचे रखवा दिए हैं। सर्विसेज तो हमारी बेहतरीन ही हैं, अगरचे बारिश भी हो फिर भी हमारे सेलमैन ऑन ड्यूटी रहते हैं और अलर्ट रहते हैं। रोड चल रहा है, कुछ अहबाब बैठे हुए हैं इधर, कुछ हमारी टायर शॉप। रोड के आगे जो वो मिट्टी सी नज़र आ रही है, क्योंकि वो बहुत उधर मिट्टी है, तो उससे आपको अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, और वैसे भी इन गमलों वगैरह से भी यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अम्मू खुश हो? हाँ जी। ताहिर आप खुश हैं? खुश हैं जी, खुश हैं। शिराज आप खुश हो? उमर खान बोल रहे हैं आप, हैं? मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है और इतनी हवा है कि आप मेरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों को गल आखना चाहो अब? और यार मज़ा बड़ा प्यारा है, मौसम बहुत ही अच्छा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हम इधर इंजॉय कर रहे हैं। क्या बात, हम वाह, हम के लिख ले, हम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, हम कोई और बच्चे हैं ना अभी इतना नहीं, लेकिन ये बहुत तेज बच्चे। ताहिर आप कोई बात बताएं, अब हमू ने तो बता दिया, अब आप बताएं। आज मौसम बहुत प्यारा है जी, हम इधर बैठ कर बैठी बैठी बातें करते हैं। क्या बात है सर, हमू ने ताहिर ने तो भाई कमाल बात की है यार, आपने तो बहुत बड़े लोगों वाली बात की है। हमू क्यों? हम जी सॉरी ताहिर, आपने तो बहुत बड़े लोगों वाली बात किया ताहिर, मौसम मौसम बहुत अच्छा है और हम इधर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सर क्या बात है, जैसे वो दो पिछड़े लोग मिलते हैं ना तो इस तरह की बातें चल जाती हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल सेम बात की है वैसे ही कि मौसम बहुत बहुत क्यूट बात हुई। मौसम तो अच्छा है, इसके अलावा कोई इधर कोई बारिश आ जाए? इजाज़ अमन नहीं रची बैठे वैसे, ठीक है। इजाज़ अमन फ्रेंड है मेरे, भाई बने हुए हैं बाहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़ तू क्या आना है मौसम के बारे में? मौसम अच्छा है बाबा जी, लेकिन मिट्टी घटा थोड़ा जी आ जाता, हल्की बारिश हो जाए तो फिर बनाने रामत हो जाए तो मर्द क्या हुआ। आसमान के व्यू कुछ ऐसे हैं, बादल वगैरह तो हैं, और ये देखे ना थोड़ी थोड़ी बरान रहमत हुई है, ये कुछ दाग भी हैं, और ये बरान रहमत का कतरा है, ये भी बरान रहमत का कतरा है, और दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके में बरान रहमत फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें बारिश शुरू हो चुकी है और अल्लाह करे ये बरान रहमत ना मुकम्मल हो जाए।
आवर सर्विस इज ऑलवेज फॉर यू। ये देखें ये व्यापारी आए हैं और इनको इन्होंने कहा जी हमने पानी पिलाना है, तो आई से व्हाई नॉट, हमने फिर इनको बाल्टी एक दी है जिससे ये पानी पिला रहे हैं। हाँ जी कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं। आप क्या फिर भी कभी अगर कोई डंगर को पानी पिलाना हो तो कोई मसला नहीं, इसके अलावा भी हम हाजिर हैं। लड़के को कहा है जी पाइप लगा दें, अब ये पाइप ये भाई को दो ना, अब ये इजीली सब पी लेंगे। पाइप चलाएं भाई। अगर आप भी इस रोड पे हैं और किस सर्विस से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो आवर सर्विस इज़ ऑलवेज फॉर यू। ये नहीं देखा जाएगा कि आप फिलिंग कराते हैं नहीं कराते, बल्कि हम आपको सर्विस मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक की सुपुर्द।